हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के सीनियर लीडर और फॉर्मर मिनिस्टर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी हैं, जिन्हें आप राम मंदिर और हिजाब और तमाम जो रिलीजियस इश्यूज रहे हैं, कोर्ट में जिन पर बैटल रही हैं, उन पर उन्हें लगातार सुनते आए हैं। और आपको शायद ये जानकर अचंभा होगा कि लक्ष्मी जी को इंडियन करेंसी पर लाने की मांग डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी काफी पहले कर चुके हैं। स्वामी सर, थैंक यू, आपने जी न्यूज के इस डिस्कशन को ज्वाइन किया है। सर, या आज ये पॉलिटिकल मांग उठ रही है, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि लक्ष्मी जी और गणेश जी होने चाहिए इंडियन करेंसी पर, आप तो ये बात पहले ही कह चुके हैं। हाँ, नहीं, मैंने उस समय कहा था जब लोगों ने इस बात की विरोध कर रहे थे कि ये हम सेक्युलर देश हैं, मैंने कहा कि हमारी पार्लियामेंट में ऋग्वेद के जो श्लोका है वो लगे हुए हैं पत्थर में, यानी पत्थर में आप देख सकते हैं, अहम निज परवेती गंगा लघु चेतनाम, ऐसे ऋग्वेदा से और उपनिषद से। तो मैं ये कहता हूँ ये हमारी परंपरा है और परंपरा में हम मानते हैं कि एक गणेश और लक्ष्मी, इन दोनों के कृपा से ही हम इस देश की विकास कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि इंडोनेशिया जैसे देश जो मुस्लिम मेजॉरिटी है, वहाँ वो करेंसी में गणेश की चित्र है, तो हम लोगों को क्यों शर्म आती है? कितना सेक्युलरिज्म इतना दूर नहीं जाना चाहिए, ये 80% हिंदू देश है, तो इसीलिए हिंदुओं का भी जो आशा है उसको दिखाने के लिए करेंसी नोट में लक्ष्मी और गणेशा का चित्र आनी चाहिए। स्वामी साहब, तो चैलेंजेस कहाँ पर हैं? आप कह रहे हैं कि आप ये मांग पहले ही उठा चुके हैं, आप कह रहे हैं देश का सेक्युलरिज्म जो है उसे ऐसा करने से किसी तरह का खतरा नहीं आता है उस पर, तो चुनौती कहाँ पर है, कहाँ पर चुनौती है कि हमारे देश में कई जो राजनेता हैं उनका नाम मैं नहीं लूंगा, वो अरब देशों से डरते हैं कि अरब देशों की जो आलोचना आएगी उस पर, यानी आश्चर्य होगा परंतु मैं बता रहा हूँ खुला, मैं व्यक्तिगत जानता हूँ कि कई चीजों में हम अरब देशों के लिए सोचते हैं। जैसे अभी राम सेतु का नाम, उसको राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने में मुझे कोर्ट में जाना पड़ रहा है। क्यों कोर्ट में जा रहा हूँ? क्योंकि सरकार ये डरती है कि ये पहले इसका नाम एडम्स ब्रिज था, और तो इसीलिए अरब देशों में एक मांग है कि भाई इसका नाम बदलना नहीं चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि हमारे देश में ये जो हीन भावना है इसी में है, और इस हम बड़े हिंदुत्व की बात करेंगे परंतु जब क्रियान्वित करने की बात आती है तो थोड़ी शर्म से हम पीछे हट जाते हैं। यहाँ पर आज आपका और हमारा ये जो बातचीत है वो इसलिए हो रही है क्योंकि अरविंद केजरीवाल आज ये कह रहे हैं कि लक्ष्मी जी और गणेश जी होने चाहिए इंडियन करेंसी पर। आपको आपको बीजेपी कह रही है ये चुनावी गिमिक है। चुनावी गिमिक से भी बुरा है ये, तो इनका इनका जो अभी तक जो सिद्धांत जिस पर लोग बोलते आए हैं और उनका जो व्यक्तिगत आचरण है उससे तो मैं कह सकता हूँ ये बिल्कुल 420 है, इसको मैं चुनावी नहीं कहूंगा, इससे उससे भी बुरा है ये, तो 420 लोगों को धोखा दे रहे हैं, लोगों की जो मंशा है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि जो स्टेटमेंट है उसकी जो टाइमिंग है, जैसे कि आरोप लग रहे हैं कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इसकी चुनावी टाइमिंग है, ये चुनाव में फायदा देखते हुए ये स्टेटमेंट आया है आपकी अंडरस्टैंडिंग में? नहीं, ये वो तो फीकी है ना वो बात की, चुनाव में तो हम कई चीजें कहते हैं, सब कहते हैं, पर ये इनका जो सिद्धांत है इसका बिल्कुल विपरीत है, तो ये धोखा है, इसको मैं चुनावी नहीं कहूंगा। आप ये कह रहे हैं आस्था के साथ धोखा है? हाँ, पब्लिक के साथ धोखा है, इसकी कोई ऐसी इरादा नहीं है करने के लिए, ऐसे ही बोलकर चले जाएंगे, और मैं समझता हूँ कि इसको बिल्कुल नहीं मानना चाहिए कि केजरीवाल बदल गए या केजरीवाल आम जनता की बात कह रहे हैं। स्वामी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने थॉट्स यहाँ पर शेयर किए।